यते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासु वासु मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिम् यत्कृपा तमु वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य नारायणम् नमस्कृत्य सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम् भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस गीता कार्यक्रम में बताइए गीता कार्यक्रम भागवत कथारूप कार्यक्रम जी भागवतम कथारूप कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है आज हम बहुत ही विशेष Uh, कहानी समझने जा रहे हैं जिसको भागवत में टाइटल दिया गया है आइडियल ग्रहस्ता लाइफ आइडियल मैरिड लाइफ तो ज्यादातर तो लोग जो इस कथा में जुड़े हुए हैं वो ग्रस्त जीवन में हैं शादीशुदा हैं तो बहुत ही सुंदर ही अध्याय है कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह और फिर कपिल मुनि का जन्म अभी तक हमने देखा था कि कर्दब मुनि ने जो है तपस्या की भगवान को प्रसन्न किया और उनकी तपस्या से भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए भगवान की सुंदरता के बारे में हमने देखा कि भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे घुंघराले बाल थे लटे थी और कौस्तु बणि धारण किए हुए थे गुरु पर विराजमान थे मंद मुस्कुरा रहे थे इस प्रकार से भगवान के रूप का दर्शन किया फिर जो है कर्द मुनि भगवान को साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करने लग जाते हैं बहुत ही सुंदर बात कहते हैं वो कि आपके चरण कमल जो हैं एक नौका के समान हैं, जो नौका इस भव सागर से में पार करा सकती है बट कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो आपसे क्या मांगेगा कुछ भौतिक सुख माने मांगेगा कोई भौतिक सुख सुविधा मांगेगा तो वो अपने लिए ही कह रहे हैं कि वो मैं मूर्ख व्यक्ति मैं हूं जो आपसे अगली प्रार्थना करने जा रहा हूं आप तो भव सागर से हमें पार कराने वाले हैं लेकिन मैं कुछ आपसे तुच्छ मांगने जा रहा हूं तो उन्होंने क्या बोला प्रार्थना में क्या मांगा उन्होंने हे नाथ आप सदैव मुझ जैसे मूर्ख लोगों पर कृपालु रहते हैं मेरी एक तीव्र इच्छा है क्या इच्छा है कि मैं समान शील वाली पत्नी चाहता हूं भगवान प्रकट हो गए और क्या मांगा एक पत्नी मांगा जो शादी करनी थी उनको तो उसके लिए पत्नी स्वीकार करने को उन्होंने भगवान से एक पत्नी मांगी तो एक बार और प्रभुपाद जी इसके लिए कहानी सुनाते हैं आपको याद होगा कि एक माता जो है हर बार जंगल से लकड़ियां लेके आती थी और वो माता जी जंगल से जब लकड़ियां लेके आती थी तो एक बार लेके आ रही थी वो थक गई और थकने के कारण उनके सर से वो जो लकड़ियों की गटरी थी वो नीचे गिर गई और वो फिर याद करती है हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी मदद करो मेरी हे गोविंद हे कृष्ण पूरा भाव से क्योंकि उनके लिए वो लकड़िया बहुत इंपॉर्टेंट थी तो भगवान श्री कृष्ण उनकी पुकार सुनकर के वहां प्रकट होते हैं दर्शन देते हैं और फिर दर्शन जब हो गए तो मैया कहती है हे कृष्ण हे गोविंद आप प्रकट हुए धन्यवाद मेरी सहायता कर दो बोले मैया क्यों बुलाया आपने क्या सहायता चाहते हो तो भगवान से वो कहती है कि मैया माता जी सॉरी भगवान से मैया कहती है भगवान आप जो है कृपया करके आ, ये जो इशारा कर दो ये जो गठरी नीचे गिर गई है इसको उठा करके मेरे सर पर रखवा देंगे क्या मैं उठा नहीं पा रही हूं तो आ, कहने का अर्थ स्वयं भगवान प्रकट हो गए और फिर क्या मांग रहे हैं और बोझ दीजिए और बोझ दीजिए जो नीचे बोझ गिर गया है उसको उठा के रखिए यह नहीं कि भाव सागर से हमें पार करा दीजिए अपने चरणों की सेवा दे दीजिए हमेशा हमेशा के लिए हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति दे दीजिए नहीं तो अल्प बुद्धि के लोग भगवान से भौतिक इच्छाएं रखते हैं इस प्रकार से करदम मुनि ने कहा और अपनी बात को ही कहा फिर आगे प्रार्थना की कि मैं जो है पत्नी चाहता हूं और इस प्रकार उनकी बातें सुन करके फिर भगवान उत्तर देते हैं कि मुनिवर आपकी इच्छा मैं समझ सकता हूं और आपके भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूं और आपको जो है मैंने पहले ही वरदान दे दिया है आपकी इच्छा को मैंने पहले ही पूरा कर दिया है क्या वरदान दिया कि आपको पत्नी का तो क्या व्यवस्था की है बोले स्वयं भुवु मनु और उनकी पत्नी क्या नाम था स्वयं मनु की पत्नी का नाम शत्रु शत्रुपा और वो दोनों आएंगे आपके पास अपनी बेटी का प्रपोजल लेकर के राजा और रानी अपनी बेटी का प्रपोजल लेकर के आपके पास आएंगे और कौन से थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा कि ये मनु स्वयं भू मनु है अर्थात पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं बहुत बड़े राजा है ये कितना वैभव है इनका और ये जो अः मनु थे उनकी तीन बेटियां थी देवहूति प्रसूति और आकुति तो उसमें से एक बेटी है देवहूति आगे बात चलती है फिर कहते हैं हे ब्राह्मण वह कन्या बिल्कुल वैसी होगी जिसने तुम जैसे तुमने अपने सपनों में सोच रखा है ऐसी ही पत्नी होने वाली है जैसे तुमने इमेजिन कर रखा है जिसके तुमने इतने वर्षों से अपने हृदय में आस लगाए थे, विश्वास रखो शीघ्र ही तुम्हारा विवाह उससे होगा और वह अपने प्राणों सहित तुम्हारी सेवा करेगी और फिर कहा कि तुम्हारे को उस पत्नी से नौ पुत्रियां पैदा होगी जन्म लेगी और आगे जो है वो प्रजा का विस्तार करेगी फिर भगवान ने कहा कि सदैव Uh, मेरी पूर्ण चेतना में स्थित होकर और साथ ही समस्त प्राणियों पर करुणा दिखाकर तुम जीवन के अंत में पूर्ण साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करोगे अर्थात जीवन के अंतिम समय में तुम पूरी तरह से वापस कृष्ण भावना भावित हो जाओगे तो बहुत ही सुंदर बात कही गई हमने कल यहां तक कर दिया था लगभग कि हे ऋषिवर मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में अपने एक अंश को भी प्रकट करूंगा अपने ही एक अंश को अर्थात अपने एक विस्तार को भगवान स्वयं अवतरित होने वाले अब सोचिए कैसे है भगवान भगवान किसकी मैरिज करवा रहे हैं अपने बोलो अपने मम्मी पापा की मैरिज करवा रहे हैं अगर देखा जाए तो करदम मुनि और देवहूति की मैरिज करवा रहे हैं रिश्ता करवा रहे सास ससुर को भेज रहे करदम मुनि के जाओ अपनी पुत्री को लेके जाओ अपने उत्प्रकट होने की लीला कर रहे हैं अपने किस किस पिता को स्वीकार करना है किस माता को स्वीकार करना है इसलिए भगवान के जन्म कर्म को क्या बोला गया है दिव्य चौथे अध्याय का नववा श्लोक भगवद गीता का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योग्य तत्वतः त्यक्तवादेह पुनर्जन्म नीति इशारा करो नीति मामेति सो अर्जुना उसका पुनर्जन्म नहीं होता वो मेरे पास आता है क्योंकि मेरा जन्म और कर्म क्या है दिव्य है उसको अगर कोई तत्वतः रूप में जान लेता है तो देखिए यहां पर कौन चूज कर रहा है स्वयं भगवान चूज कर रहे कि मैं मैं जो है तुम मुनि हे मुनिवर तुम्हारे से देवहूति के गर्भ में आऊंगा और मैं जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा सोचिए भगवान डिसाइड करते हैं कि मेरे मेरे माता पिता कौन होंगे कृष्ण कथा में जब ये बात कही जाती है तो थोड़ा बहुत आप कहते हो कि नहीं कैसे संभव है बट यहां आप साफ साफ देख सकते हैं ठीक है <coughs> फिर आगे कहते हैं कि मैं देवहूति का उसका पुत्र बनकर मैं उसे परम सत्य का ज्ञान के ज्ञान का उपदेश दूंगा यह कहकर भगवान ने बिंदु सरोवर से प्रस्थान किया बिंदु सरोवर के किनारे तपस्या तो कर रहे थे आगे बढ़े सभी लोग तैयार हैं प्लीज यस नो ठीक है आगे बढ़ते हो यह कहकर भगवान ने बिंदु सरोवर से प्रस्थान किया भगवान का वाहन गरुड़ वापस वैकुंठ की ओर उड़ने लगा और मुनि उसके पंखों की फड़फड़ाट से उत्पन्न हुए सामवेद के को सुनने लगे तो भगवान का जो वाहन था वो भी कैसा था म्यूजिकल वाहन था कहने का अर्थ क्या है अलग से साउंड सिस्टम नहीं लगवाना पड़ता बॉस का लगवाना है कि कुछ हरमन का लगवाना है कि वो अलग से नहीं सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता। ऑटोमेटिकली भगवान के उस गरुड़ के पंखों से वेदों की ध्वनि आती है बहुत दिव्य ध्वनि आती है यह कर्द मुनि उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसका उल्लेख भगवान ने किया था उसी दौरान स्वयं व मनु अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ रथारूढ़ होकर एक योग्य दामाद की खोज में निकले उधर मनु और शत्रुपा और उनकी बेटी देव होती निकल गए जनरली उल्टा होता है लड़के वाले खोजने के लिए निकलते चलो चलो बार चलो चलो पर यहां पर देख रहे हैं कि वो निकल गए अपनी बेटी को साथ में लेकर के तो तो हाँत दृष्टा हुआ मंगनी 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 पट पट ब्या 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 ऐसा बोलते हैं ना फटाफट फटाफट फटा -फट तो इस तरह से पूरा तैयार होकर के सब लोगों को आनंद आ रहा होगा क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है आइडियल मैरिड लाइफ आइडियल ग्रस्ता लाइफ सबको अपना अपना कुछ कुछ याद आ रहा है कोई बात नहीं करते रहिए रथा होकर दामाद की खोज में निकले भ्रमण करते करते वे करदम मुनि के आश्रम में उस दिन दिन पहुंचे जिस मुनि का तप तप व्रत व्रत पूरा पूरा हुआ हुआ ही था उनका तप और व्रत पूरा हुआ, तो वहां पर पहुंच गए बिंदु सरोवर अत्यंत पवित्र स्थान है क्योंकि इसका जल भगवान के उन आंसुओं से युक्त है जो भगवान ने कर्दम मुनि की तपस्या को देकर बहाए थे तो इसको इस प्रकार से समझिए कि भगवान इतने बड़े भक्त भगवान के ये करदम मुनि कि जब उनकी तपस्या देखी भगवान वहां पर प्रकट हुए उनकी तपस्या को देख करके भगवान स्वयं अश्रुपात करने लग गए भगवान स्वयं रो रहे सोचिए अपने भक्त की उस प्रतिज्ञा को देख करके उस तपस्या को देख करके और उससे क्या बना बिंदु सरोवर और बाद में जो पहले रेफर किया गया इसका मतलब ये है कि उस सरोवर पे वो तपस्या कर रहे थे रेफरेंस देने के लिए जो सरस्वती नदी के किनारे पर है और वास्तव में वो कैसे बना था वो भगवान के आंसुओं से बना था बिंदु सरोवर <coughs> इतने बड़े ऊंचे भक्त थे और आ, बिंदु सरोवर पर जो है कर्द मुनि के बारे में कहा गया है कि कर्दमुनि की तपस्या देखकर कर बहाये भगवान ने आंसू सरोवर पर सरोवर सब ऋतुओं में फल फूल प्रदान करने वाले शुभ वृक्षों से घिरा था और वहां का वातावरण विचित्र पंछियों की किलकारियों से गुंज रहा था बहुत ही सुंदर ये एक सीन है हो सके दोनों पिक्चर डिस्प्ले कीजिएगा कि भगवान का मुनि को दर्शन देना और उसके बाद में मनु शत्रुपा देवभूति का कर्द मुनि के पास आना इस सुंदर परिवेश में प्रवेश करके इस ब्रह्मांड के प्रथम सम्राट स्वयं भू मनु ने कर्दम मुनि को देखा जिन्होंने अभी भी अपने यज्ञ में पूर्णा होती दी थी यद्यपि मुनि दीर्घ काल से तपस्या में रथ थे फिर भी उनका शरीर कृषकाय नहीं हुआ उसकी क्या नहीं हुई है शरीर की कांति कम नहीं हुई है पतले नहीं हुए हैं, दुबले नहीं हुए ऐसा कहा जा रहा है कर्दम मुनि के बारे में उन्हें भगवान का स्नेह भरा दृष्टिपात तथा चंद्रमा सदृश शीतल वाणी रूपी अमृत जो मिला था तो किस लिए वो एकदम से स्ट्रांग हो गए थे किस लिए वो एकदम से चमकने लग गए थे क्योंकि वो किसके संपर्क में आ गए थे भगवान के संपर्क में आ गए थे भगवान का दर्शन हो गया था परम भगवान श्री कृष्ण परम तेजवान उनके संपर्क में आने से वो भी तेजवान हो गए थे नेक्स्ट कर्दम मुनि ऊंचे कद के थे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उनकी देह तेज युक्त थी उनके नेत्र कमल दल के समान थे वस्त्रों के नाम पर उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उनके बाल जटा बन चुके थे वे एक ऐसे रत्न के समान दिखाई दिख रहे थे जिस पर अभी तक धूल जमी थी रत्न के ऊपर धूल जमी है समझ सकते हैं आप रत्न के ऊपर धूल जमी है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है जब स्वयं भू मनु ने ये देखिए करदमा मुनि है इनको भगवान ने दर्शन दिया है बट ये शायद वो पेंटिंग नहीं है जिसने भी शेयर किया क्योंकि भगवान रथा होकर हो हो के आए हैं और होकर आए हैं गरुड़ हरे कृष्णा ठीक है जी जो परफेक्ट पिक्चर मिले तो वो दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं धन्यवाद तो स्वयं मनु ने कर्दम मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने भी उनका यथोचित आदर दिखाकर उन्हें आशीर्वाद दिया मुनिवर ने किसको आशीर्वाद दिया बोलो ससुर जी को स्वयं मनु को आशीर्वाद दिया अब यहां पर एक छोटी सी बात प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो कर्दम मुनि के हृदय में बच्चे की पत्नी की जो इच्छा थी वो कहां से आई ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था कि तुम आगे सृष्टि करो आगे प्रजा को बढ़ाओ ब्रह्मा जी को किसने आदेश दिया भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप जो है मेरे नाभि से प्रकट हो गए हो आगे तुम सृष्टि को बढ़ाओ आगे जो है प्रजा को बढ़ाओ तो एक प्रकार से करदम मुनि किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं स्वयं भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं क्या बात है मुझे अच्छा लगा एक साथ सब लोग एक्टिव होकर के आज आंसर किए हरी बोल जय हो तो स्वयं भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं जब महाराज मनु आसन जब महाराज मनु ने आसन ग्रहण कर लिया तो मुनि मधुर वचनों से उनकी प्रशंसा करने लगे बढ़िया से उनको प्रशंसा कर रहे हैं हे प्रभु आप भगवान हरि की रक्षण शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि हैं बहुत सुंदर बात कही जा रही है राजा को क्या बोला जाता है भगवान का प्रतिनिधि नरदेव तो यहां पर कहा जा रहा है हे प्रभु आप भगवान हरि की रक्षण शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है रक्षण शक्ति समझ गए रक्षा करने वाली प्रजा की रक्षा करने वाली शक्ति तो उसके मूर्तिमान स्वरूप है और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि हैं धरती पर आप भगवान के ही प्रतिनिधि हैं होस्ट को होस्ट, ध्यान रखिए प्लीज लोग आ रहे वेटिंग रूम में आप एडमिट नहीं कर रहे मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं कौन प्रणाम कर रहा है मुनिवर प्रणाम कर रहे हैं अब पहले तो आशीर्वाद दिया प्रणाम कर रहे हैं यदि आप अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने धनुष के भयंकर कार्य टंकार उत्पन्न न करें और यदि आप संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी विशाल सेना के साथ भ्रमण न करें तो चोर डाकू भगवान द्वारा बनाए गए नियमों की अवेलना एवं खंडन करने लगेंगे तो आप बहुत शक्तिशाली हैं आप भगवान के ही शक्ति के रूप में अवतार हैं यदि आप संसार की देखभाल न करें तो यहां अधर्म फलने फूलने लगेगा क्योंकि उस समय धन के लालची लोगों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा तो एक अंकुश लगाने वाला कौन होना चाहिए बोलो राजा एक अच्छा राजा होना चाहिए तो आइडियल किंग के की रूप में आ, मनु महाराज के बारे में ये कर्दम मुनि कह रहे हैं हे शूरवीर राजन कृपया मुझे अपने यहां आने का कारण बताएं और विश्वास रखिए कि बिना किसी हिचक के आपके आदेश का पालन किया जाएगा एकमात्र राजा थे मनु राजा तो कर्दमुनि बोलते कि आप क्यों आए हैं हे राजा आप क्यों आए हैं एक बार थोड़ा स्टैंड कीजिए सब लोग जोड़िए आप सब लोग कर्दम मुनि है और राजा का स्वागत कर रहे हैं हे राजन आप क्यों आए हैं क्या आपका प्रयोजन है कृपया मुझे बताइए आपके हर एक प्रयोजन को मैं पूरा करूंगा इस प्रकार से कर्दम मुनि बोल रहे कोई अहंकार नहीं कि मैंने दस वर्षों तक तपस्या किया है राजा आया है तो क्या हुआ नहीं, नेक्स्ट और यह कहकर मुनि शांत हो गए मनु ने उत्तर देते हुए कहा अब राजा मनु बोल रहे महाराज मनु वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्रह्मा जी ने आप जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है जो तप ज्ञान तथा योग शक्तियों से पूर्ण होते हैं तो यहां पर बहुत सुंदर बात कही गई है वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु हाँ, जैसे धन होता है ना धन धन का रक्षण ouais? कैसे किया जाता है तिजोरियों में डाल करके लॉकर में डाल करके उसका रक्षण किया जाता है दूसरों की दृष्टि से दूर रख करके किसी को पासवर्ड नहीं बता करके उसका रक्षण किया जाता है लेकिन ज्ञान का संरक्षण कैसे किया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण कैसे किया जाता है संस्कारों का संरक्षण कैसे किया जाता है उसके लिए कहा जाता है उसको दूसरे लोगों को बांट करके याद रखना ये संस्कार कैसे बचेंगे इनका संरक्षण कैसे होगा जब आप बांटोगे नहीं नहीं आजकल के बच्चों को क्या बताएं हम अब तो हम दादा हो गए हैं क्या बताना है इनको इनका जीवन तो बस मोबाइल से चलता है कंप्यूटर से चलता है नहीं ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये जो संस्कार का ज्ञान है ये कैसे इसका संरक्षण कैसे होगा एकमात्र वस्तु ऐसी है जिसका संरक्षण जिसका बचाव कैसे होता है बांटने से कैसी वस्तु है ये बांटने से बचाव होता है सोचो किसी तरह इसको बांटो किसी न किसी के पास ये बचा रहेगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बांटना इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे मूवमेंट में क्या बोला है लास्ट में मालूम है बुक्स आर दी बेसिस यूटिलिटी द प्रिंसिपल एंड बुक्स आर द बेसिस यूटिलिटी प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस प्रीचिंग ही सार है प्रचार ही सार है प्रभुपाद जी बोलते हैं तो यहां पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि ब्रह्मा जी ने आप जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है जो तप ज्ञान और योग शक्तियों से पूर्ण होते हैं किसके लिए वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु तो हम सब लोगों को भी ये उत्तरदायित्व निभाना है प्रभुपाद जी ने हम सब लोगों को बोला क्या कहा है डिस्ट्रीब्यूट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स लोगों को बुक्स दो किताबें दो किताबें दो किताबें दो जो किताब बांट रहे हैं उनको सहयोग करो उनको मदद करो प्रिंसिपल आप अपने सब सोसाइटी में बताओगे सब लोगों को शेयर करोगे संरक्षण कैसे होगा प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ बाय प्रिजर्वेशन नहीं होगा बाय प्रीचिंग होगा बाय प्रोपोगेशन होगा ठीक है ठीक है तो तथा जिनमें इंद्रिय भोग के लेश मात्र इच्छा भी नहीं होती है ने इसलिए इच्छा नहीं की थी पत्नी की कि मुझे इंद्रिय भोग करना है मुझे आराम से पत्नी के साथ में रहना है नहीं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियो की उत्पत्ति की गई तो यहां इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है आइडियल लाइफ जो रियल भागवतम में आइडियल मैरिड लाइफ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शादी भी किसके लिए है किसी आज्ञा की पूर्ति हेतु खुद कर्दभि कह रहे हैं ठीक है तो किसी आज्ञा की पूर्ति हेतु है किसी पर्पज के लिए है किसी उद्देश्य को लेकर के हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियो की उत्पत्ति की गई आज आपके द्वारा सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या ने राजकीय कर्तव्यों से संबंधित मेरे समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है अब एक तरह से राजा क्या कह रहे हैं कि कर्दमुनि आपने मेरे दायित्व के बारे में इतना बताया कि मैं मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं भगवान का रक्षक शक्ति हूं तो अब मुझे मालूम पड़ा मेरे दायित्व के बारे में फिर से इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं को कृतार्थ मान रहा हूं आज आपके चरणों की धूलि में अपना सिर रखकर प्रणाम करने से मेरा जीवन धन्य हो गया है आपके चरणों में मैं क्या रखता हूं अपना सिर रखता हूं अब कौन बोल रहे हैं? राजा मनु। ठीक है नेक्स्ट हे ऋषिवर कृपया मेरा यह विनम्र निवेदन सुने मेरा चित्त अपनी पुत्री देवहूति के स्नेहवश अत्यंत चिंतित है वह विवाह हो आई है और उम्र चरित्र तथा सद्गुणों के समान शील वाला पति चाहती है नारद मुनि से आपके सच चरित्र सचरित्र ज्ञान सौंदर्य तथा अन्य गुणों को सुनकर उसने मन ही मन पति रूप में आपका वरण कर लिया है नारायण नारायण नारद मुनि पहुंच जाते जी और जाकर के पूरा सुना चुके हैं कि कर्द मुनि कैसे हैं क्या उनके गुण हैं तो जो देव होती थी, देव होती थी उसको आकर्षण हो गया मुनि के प्रति और उनको पति रूप में बोले स्वीकार कर लिया है इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरी पुत्री आपकी पत्नी बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और वह भली बाती आपके ग्रस्त जीवन का उत्तरदायित्व संभाल लेगी चाहे व्यक्ति स्वयं सभी आसक्तियों से मुक्त क्यों ना हो यदि नियति की इच्छा से उसे कुछ प्राप्त होता है तो उसे उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए और यदि वह इंद्रिय भोग से आसक्त है तो फिर तिरस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता तो दो कारण दिए गए कि मेरी बेटी का तुम्हें तिरस्कार नहीं करना एक तो क्या तुम्हारी भले इच्छा नहीं है लेकिन ऐसा नीति नियति नियति से जो भगवान के ब्रह्मा जी के जो नियम है उसके अनुसार ये पूरा प्लान किया गया है तो तुम मेरी बेटी को देवहूति को पत्नी रूप में स्वीकार करो किसी भी रूप में तुम तिरस्कार मत करो <kuh> <kuh> <ग्थ> जो व्यक्ति पहले तो उसे उपहार का जो व्यक्ति पहले तो ऐसे उपहार का तिरस्कार कर देता है और बाद में कंजूस से उसे मांगता है वह अपनी ख्याति तथा आत्मसम्मान दोनों खो बैठता है मैं जानता हूं कि आप विवाह के इच्छुक हैं और आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया है अब देखो पूरा सब कुछ मालूम है मनु महाराज को ब्रह्मचारी भी दो तरह के होते हैं एक का ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और एक ब्रह्मचारी कैसे जो कि एक समय के बाद वो शादी कर लेते हैं तो बोल रहे हैं कि आपने आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत तो नहीं लिया है अब आपको मेरी बेटी को स्वीकार करना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर बात हो रही है स्वीकार कीजिए कृपया इसलिए कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए मुनि ने कहा यह सत्य है कि मैं विवाह का इच्छुक हूं और चूंकि तुम्हारी पुत्री का मन इससे पहले किसी पर नहीं आया मैं उसे स्वीकार करता हूं भला कौन होगा जो आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहेगा उसकी सुंदर अंग कांति के सामने तो उसके आभूषणों की आभा भी फीकी पड़ रही है उसका शरीर इतना सुंदर है तो ये आभूषण कुछ चमकी नहीं रहे मैंने एक बार सुना था कि विश्वावशु नामक गंधर्व एक समय अपने विमान पर सवार होकर आपके महल के ऊपर से गुजर रहा था आपकी पुत्री को गेंद के साथ छत पर खेलते देखकर उसका चित्त इतना सम्मोहित हो गया कि वह अपने विमान से ही बोलो बोलो इशारा करके बोलो गिर गया तो कई बार होता है ना दिखाते हैं टीवी वगैरह में कोई कोई जा रहा था और कोई जा रही थी फिर क्या हुआ देखा 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 देखता ही रह गया और आगे से कोई जा रहा था पिलर से टकरा गया भूम तो वैसे ही ये जो गंधर्व है जिनका नाम है विश्वा वो अपने वाहन में बैठ करके विमान में बैठ करके जा रहे थे तो उस समय जो है उस समय भी बड़े बड़े महल होते थे और छते होती थी और उसके ऊपर जो है उनकी बेटी खेल रही थी देवूती समोहित हो गए और विमान से नीचे गिर गए निश्चित ही मैं इस सती कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा परंतु मेरी एक शर्त होगी थोड़ा सा कोई म्यूजिक बजा सकते हैं वो जो भागवत कथा होती है ना उसमें ये सब म्यूजिक बनता है जुँग जुँग शर्त क्या शर्त है अब कर्द मुनि शर्त रख रहे हैं जल्दी से रामावतार अग्रवाल जी बताएंगे कर्द मुनि ने क्या शर्त रखी है पढ़िए ने क्या शर्त रखी है माइक करके बोलिए निश्चित ही मैंने सती कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा परंतु मेरी एक शर्त होगी जैसे ये कि संतान को जन्म देगी मैं भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए सन्यास आश्रम स्वीकार कर लूंगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जैसी घटना है तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी ना आज जीवन वंश ही जियूंगा वंश ही मरूंगा शादी नहीं करूंगा राज्य भोग नहीं करूंगा ऐसे पर क्या प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ले ले रहे है। ले रहे हैं हैं व्रत और कह रहे हैं शर्त रखता हूं कि मैं आपकी बेटी को पत्नी रूप में तो स्वीकार करते सोचो यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ कोई भोग इच्छा नहीं है यहाँ क्या है आज्ञा पालन करने की इच्छा है आज्ञा पालन हेतु जो है कर्द मुनि कह रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी आपकी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं लेकिन आ, मैं जो है पुत्र प्राप्ति के बाद में संतान प्राप्ति के बाद में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा सीधा आश्रम ग्रहण कर लूंगा स्वीकार कर लूंगा पत्नी बच्चों को छोड़ करके वनम गच्छे वन में चला जाऊं ऐसा किसने बोला था और एक और बोला था जैसे कहा जाए तो गंगा मैया ने भी बोला था शांतनु को कि आप जिस दिन पुत्र रखोगे उस दिन मैं चले जाऊंगी वैसे यहाँ पर करदम मुनि बोल रहे हैं यह कहकर मुनि शांत हो गए और उनका चित्त अपने पूजनीय भगवान विष्णु के चरणों का चिंतन करने लगा उनके सौम्य चेहरे को देखकर देवहूति का मन मंत्र मुग्ध हो उठा और वह एक वह एकाग्र मन से उन पर ध्यान करने लगी अपनी पत्नी एवं पुत्री की इच्छा देखकर स्वयंभु मनो ने सहर्ष देवहूति का विवाह मुनि से कर दिया कोई मंत्र पढ़ो भाई वो क्या पढ़ते मंत्र विवा मंत्र विवाह के विष्णु मंगलम तो विवाह शुरू हो चुका है और विवाह संपन्न भी हो चुका है जट मंगनी भी हो गया बट ब्याह भी हो गया ठीक है शत्रुपा ने वहा सॉरी शत्रुपा ने विवाह में अनेक मूल्यवान उपहार भेंट किए देखो आप लोग अपने जीवन में जब शादी हुई थी आपकी सब याद कर सकते हो उसमें कोई अपराध नहीं है जो कुछ याद <laughs> तो ओ, शत्रुपा ने विवाह में अपनी बेटी को भेंट दिए क्या क्या भेंट दिए जैसे गहने वस्त्र घरेलू वस्तुएं आदि कोई बुरा याद मत करना मेरी मान है तो मुझे गहने दे के भेजा था सासुमा ने तुरंत अपने पास रख लिया शत्रुपा ने विवाह में अनेक मूल्यवान उपहार भेंट दिए जैसे गहने वस्त्र अनेक घरेलू वस्तु आदि अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर से संपन्न करके महाराज मनु एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए पिता का एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है उनकी पुत्री है तो उनका एक सही पुरुष सही से सही व्यक्ति से विवाह होना पुत्री के भावी वियोग का विचार करके उनका मन व्यथित हो उठा उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू उमड़ आए और उन्होंने देवभूति को गले से लगा लिया पिता ने अपनी पुत्री को गले से लगा दिया रो रही है ठीक है अंततः कर्दम मुनि की अनुमति लेकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया राजधानी की ओर चल दिए हैं कौन मनु महाराज सबसे निवेदन है समय पर आया करो क्लास में सबसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता हूं, समय पर आया करो 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 पूरा लाभ लिया कथा का और जो लोग नहीं आ पाते उनसे आओ, आओ सुनो श्रवण करो श्रवण मात्र से कल्याण हो जाएगा तो इस प्रकार वो अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिए जब मनु महाराज ब्रह्मावर्त पहुंचे तो उनकी प्रजा ने संगीतमयी स्तुतियों से के साथ में उनका स्वागत किया तो उनकी राजधानी कौन सी है ब्रह्मावर्त और इस नगरी को बहिष्मति भी कहा जाता है क्योंकि यही भगवान वरहा ने अपने शरीर को झटका था और उनके शरीर से गिरने वाले बाल कुशा एवं का घास में परिवर्तित हो गए थे भगवान वराह देव ने क्या किया था करके दिखाओ सभी लोग करके दिखाओ करके दिखाओ ऐसे नहीं चलेगा करके दिखाओ वराह देव ने क्या किया था करके दिखाओ यहां लिखा हुआ है क्या वहीं पर वराह देव ने अपने शरीर को झटका था ऐसे ठीक है तो उनके शरीर से जो बाल निकले उसे कुशा घास या काशा घास जो है बन गई अपनी प्रजा के अभिनंदन को स्वीकार करे करके मनु ने अपने राजमहल में प्रवेश किया जो भौतिक जगत के त्रितापों से मुक्त कर देने वाले वातावरण से युक्त था मनु का राजमहल भी कैसा था तीनों तापों से मुक्त तीन ताप कौन कौन से आदि भौतिक दैविक और आदि आत्मिक भौतिक आदि भौतिक और आदि आत्मिक महाराज वह महाराज मनु ने अपनी पत्नी एवं प्रजा के साथ धर्मानुसार राज्य का सुपो सुखोपभोग किया और प्रतिदिन प्रातः वे प्रेम भरे हृदय के साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण किया करते थे पहले राजाओं के यहाँ पर सभा में बैठते ही क्या होता था भगवान की लीलाओं का गुणगान होता था बाद में दूसरी चर्चाएं होती थी तो ये बहुत ही सुंदर दिव्य कथा चल रही है इस प्रकार यद्यपि बाह्य रूप से महाराज मनु राजसी सुख भोग में लिप्त प्रतीत होते थे परंतु सदैव कृष्ण भावना भावित रहने के कारण वे कभी भी सन मार्ग से गिरे नहीं ऐसा बाहर से क्या दिखता है कि फैमिली लाइफ में राजा हैं पत्नियां हैं पूरा राज्य भोग कर रहे हैं लेकिन वो तो सन मार्ग पर थे वो कृष्ण भावना भावित थे इसलिए कभी भी अपने सनमार्ग से गिरे नहीं अच्छे मार्ग से वो पतित नहीं हुए फलस्वरूप इकहत्तर चक्र युग चक्र जितना उनका दीर्घ जीवन व्यर्थ नहीं गया सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन तथा स्मरण में मग्न रहने के कारण वे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम लौट गए एक और प्रूफ एक और प्रूफ स्वयं भू मनु कहा गए भगवान के धाम गए क्यों तो क्योंकि उन्होंने तो पूरे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण किया था भगवान का बहुत सुंदर बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि मनु का जीवन काल कितना है ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं ये हम भगवदगीता क्लास में पढ़े थे आठवें अध्याय में थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करा देते हैं चौदह चौदह मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है पूनम गर्ग माता जी ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है मालूम है आपको बताइए चारों युगों का चारों युग इंटू थाउजेंड चारों युगों को हजार से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ब्रह्मा जी के बारह घंटे अर्थात एक दिन आ जाएगा या एक कल्प आ जाएगा अब ब्रह्मा जी के जीवन ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं चौदह मनु होते हैं तो एक मनु का जीवन कितना हुआ कैसे करेंगे हजार में जो है चौदह का भाग दे देंगे तो कितना आता है इकहत्तर इकहत्तर पॉइंट फोर सेवेंटी फोर नहीं तो कहा जा रहा है कि युग युग चलेगा ना सोचो तब तक वो कौन राजा रहेंगे स्वयं मनु सोचो तो स्वयं मनु जो है राज्य करेंगे और राज्य हुआ उन्होंने जीवन में अपने भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन किया भौतिक शरीर को त्यागा भगवान के धाम लौट गए <coughs> अपने माता पिता के जाने के बाद देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी और डेली माता को व्हाट्सएप करती थी मम्मी आज ऐसा हुआ वीडियो कॉल करती थी नहीं नहीं था सुविधा उस टाइम में इस तरह से तो अपने माता पिता के जाने के बाद देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी पति की प्रत्येक इच्छा को समझते हुए वह घनिष्ठता और आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार करती इंद्रियों पर नियंत्रण तथा तो मधुर वचन उसका सहज स्वभाव था काम गर्व द्वेष, लोभ तथा तो दंभ का परित्याग करके देवहूति ने अत्यंत बुद्धिमता तथा तो सावधानी पूर्वक अपने शक्तिशाली पति की सेवा की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तो पत्नी ने किस प्रकार से सेवा की आइडियल ग्रस्त लाइफ आइडियल मैरिड लाइफ तो अपने इंद्रियों पर वश में वचनों से काम गर्व द्वेष लोभ तथा दंब का करके, का करके करके अपनी बुद्धि उपयोग सावधानी पूर्वक पति को सेवा करके प्रसन्न किया देवहूति ने दीर्घ काल तक कठोर व्रतों का पालन करते हुए कर्द मुनि की सेवा की बहुत समय तक शादी हो गई और अभी कुछ भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है पुत्र प्राप्ति होती कर्द मुनि क्या बोलेंगे घर को क्या बोलने वाला है दायित्व दिया था समाप्त हो गया अब मैं आगे बढ़ता हूं तो कर्द मुनि अपनी भक्ति कर रहे थे अपनी तपस्या कर रहे थे ये जो होती है वो उनको सहयोग कर रही थी होती की अवस्था देखकर कर्दम मुनि का हृदय करुणा से भर उठा सॉरी कहां चल रहे थे हाँ देवहूति ने दीर्घ काल तक कठोर व्रतों का पालन करते हुए मुनि की सेवा की वह दुर्बल और क्षीण काया हो गई नहीं भेजी अपने को खुद के रखा देवहूति जानती थी कि उसके पति अत्यंत महान हैं और इसलिए वह उनसे विशेष आशीर्वाद की कामना कर रही थी कि मैं सेवा करती हूं मुझे विशेष आशीर्वाद मिलेगा तो ऐसा कहा जाता है पूरा लाइन सुन लेना आधा आधा मत सुनना पूरा सुनना ये तो हो जाएगा अगर पति कृष्ण भावना भावित है तो पत्नी अगर उस पति की सेवा करती है तो पति ने जो भी किया है ऑटोमेटिक पत्नी की तरफ लगभग मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं पचास प्रतिशत तो आ जाता है मिनिमम अगर पति कृष्ण भावना भावित है तो पत्नी ने अगर पति की सेवा की है तो ऑटोमेटिकली पचास प्रतिशत तो अकाउंट में आ गया <coughs> आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से देवहूति को इच्छा थी विशेष आशीर्वाद की दे की अवस्था देखकर मुनि का करने लगे इतने दिनों तक तो, तो कहां बिजी थे काम में बिजी है अर्थात अपने ध्यान में भगवान की सेवा में बिजी है अचानक से उनको कर्द मुनि को कर्द मुनि ने देवहूति को देखा तो एकदम क्या आई उनके अंदर दया आई करुणा आई अरे ये राजा मनु और शत्रुपा की रानी की बेटी है हा? मैं मैं इसको कैसे रख रहा हूं मैं इसको कैसे रख रहा हूं ये पूरा सूख गई है इसका पूरा शरीर जो है पतला हो गया है मैंने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सोचो ये हो, ये होता है एक आइडियल ग्रस्ता लाइफ में पॉइंट नंबर टू वो क्या है कि आप किसी भी घर से आए हो कितने भी बड़े महान घर से आए हो अगर आपकी शादी जिस भी परिवार में हुई है उस परिवार को सब कुछ समझ करके उसके अनुसार अपने आप को ढालना है और उसमें आपको उनकी सेवा करनी है तो ये सेकंड नंबर पर आया कि भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने कर्द मुनि को आज्ञा दी थी तो कर्द मुनि ने शादी की है अब वो कह रहे हैं कर्द मुनि ने कहा हे hey, स्वयं भूवी स्वयं भूवी स्वयं भूगो मनु की बेटी मैं तुम्हारी भक्ति तथा सेवा भावना से अति प्रसन्न हूं प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है परंतु मेरे लिए तुमने अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं की सो नाइसली सी वॉर सर्विंग विद होल हार्टेडली विद सो मच लव डिवोशन एंड केयर सी इवन डिड केयर फॉर दी हर ओन बॉडी खुद के शरीर के लिए भी उसने ध्यान नहीं रखा इतना सेवा अच्छे से किया तो आपने अपने शरीर की परवाह नहीं की दुनिया में सब लोगों को सबसे पहले क्या प्रिय होता है अपना शरीर मैं भी एक बार देखता हूं क्लास में आ रहा हूं तो बैठने के लिए तिलक तो लग लगा शेविंग ज्यादा तो नहीं बढ़ गया सब लोग अपने शरीर की परवाह करते हैं राइट सब लोग इस प्रकार से आगे बढ़ते तो आगे बढ़ते। अपने ध्यान तपस्या तथा भक्ति के कारण मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके फलस्वरूप मैं भय तथा शोक से मुक्त हूं यद्यपि तुमने अभी तक उस उच्च अवस्था का अनुभव नहीं किया है तुम्हारी स्वार्थ रहित सेवा के फलस्वरूप मैं वे सब अनुभव आज तुम्हें प्रदान करता हूं अब देखो एक बात सुनो यहाँ पर पॉइंट सुनो हरे कृष्णा सभी लोग सुनिए अब कर्दमुनि क्या कह रहे हैं देवहूति को भी इच्छा थी क्या इच्छा थी कि मुझे आप विशेष आशीर्वाद देंगे क्योंकि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो कर्द मुनि बोलते हैं कि मैं तो सब भय से शोक से चिंता से मुक्त हूं मैं आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुका हूं मैं कृष्णा कॉन्सियस हूं पूर्ण रूप से अब मैं तुम्हें कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रदान करता हूं अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये कृष्णा कॉन्सियसनेस ये कृष्ण चेतना भावना जो तुम्हें प्रदान करता हूं तो वो कह रहे हैं तुमने अभी तक उस उच्च नहीं, तुम तो के के नहीं हो तुम्हारी सेवा के मैं वे सब प्रदान करता हूं इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा और मैंने जो बोला था ना फिफ्टी परसेंट याद आया ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं पत्नी ने नहीं किया कुछ सेवा भक्ति कुछ ज्यादा नहीं कर पाई कर्दमी किए हैं वो कह रहे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं अगर पति पत्नी जो है पति की सेवा कर रही है पति कृष्णा भावित है ऑटोमेटिकली वो उनको प्राप्त होता है एक बार इसका अनुभव करने के पश्चात इस संसार में सब कुछ सुख एवं उपलब्धियां तुच्छ दिखने लगते हैं तो करदमोनी कह रहे अपनी पत्नी को कि अब मैंने जो अनुभव किया है ना इतने जीवन में तपस्या करके भक्ति करके वो तुम लो और उसको प्राप्त करने के बाद सब कुछ तुच्छ लगेगा इस संसार में तो देखो आगे बात क्या होती है अपने पति के इन वचनों को सुनकर देवहूति संतुष्ट हो गई और उसका चेहरा दमक उठा एटलीस्ट मेरे पति पति ने मुझसे पूछा तुम कैसी हो तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है तुम जो है बहुत समय से पूरा सेवा किए जा रही हो तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा इतना सब पूछ लो एक बार प्रेम से जनरली क्या होता है पति आएंगे ये नहीं हुआ खाना ठीक नहीं है प्रॉपर सामान के ठीक नहीं, नहीं रखे हुए बच्चों को भी ढंग से नहीं संभाल सकते हो उनको भी क्या चाहिए थोड़ा सा लव केयर अफेक्शन चाहिए शब्दों के माध्यम से एटलीस्ट बट वो भी नहीं दे पाते कर्दमुनिया कह रहे उन्होंने करके बताया दे के बताया और वो खाली इतना पूछने मात्र से उसका चेहरा कैसा हो गया बोलो दमक उठा दमक उठा उसका चेहरा लज्जा कर कर्दम मुनि की ओर देखते हुए वह नम्रता तथा प्रेम भरे शब्दों से कुछ कहने लगी थोड़ा शर्मा गई और शर्मा करके कुछ कहती हैं क्या कहती हैं गद गद गद, गद कंठ से देवहूति ने कहा पतिदेव मैं जानती हूं कि आप समस्त योग शुद्धियों के स्वामी हैं तथा आपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है कृपया स्मरण कीजिए कि आपने वचन दिया था कि हमारे शारीरिक समागम से संतान उत्पत्ति होगी उत्पन्न होगी जब आप उस वचन को अब आप उस वचन को पूरा कीजिए क्योंकि यशस्वी पति की पवित्रता पत्नी की उत्कट इच्छा होती है उत्कट इच्छा होती है कि वह संतान उत्पत्ति करें तो एक तरह से जो देव होती है वो क्या बोल रही है देखो अभी आपने जो जीवन भर अनुभव किया ना उसको थोड़े टाइम तो क्या रखो साइड में रखो अभी मुझे तुम इस संसार से एकदम से विरक्त मत करो आपने बोल दिया कि तुम इस संसार के सब सुखों से उपलब्धियों को क्या देखोगे तुच्छ देखोगे तो फिर मेरा तो संतान उत्पत्ति होगी ही नहीं अभी आपने जो जीवन भर जो भक्ति किया है जो तपस्या किया है उसे जो सीख सीखा है ना थोड़ा निवेदन है शर्मा करके बोल रही हूँ साइड में रख दो अभी थोड़ा आपने तो मेरे पति पिताजी से क्या बोला था और भगवान ने भी आपको कुछ बोला था आप तो मुझे एक पुत्र देने वाले हैं तो देववती को पुत्र इच्छा थी अभी थोड़ा सा इसको साइड में रखिए आप तो कहा जा रहा है कि अब आप उस वचन को पूरा कीजिए आपने मेरे पिताओं को वचन वचन दिया था कि मेरे और आपके समागम से एक संतान उत्पत्ति होगी अब आप उस वचन को पूरा कीजिए और क्योंकि यशस्वी पति की पतिव्रता पत्नी की उत्कट इच्छा होती है कि वह करे अगर उनके पति जो है बहुत वैभवशाली हैं बहुत विशेष हैं अद्भुत गुणों से भरे हुए हैं तो पत्नी की इच्छा होती है कि तो उनका पुत्र हो एक पुत्र उनको प्राप्त हो हे नाथ मैं उस समागम के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कृपया ऐसी अवस्था कीजिए ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे अतृप्त कामनाओं के कारण क्षीण हुआ मेरा शरीर यह मेरा यह शरीर पुनः स्वस्थ हो जाए तो देवहूति कह रही है कि भगवान अब, अब मेरे पति देव पति परमेश्वर अब आप जो अपना ज्ञान था उसको तो साइड में रख दीजिए और अब आप मुझे जो है पुत्र प्रा, प्राप्ति के लिए जो है वो क्रिया करने के लिए एक वातावरण जो है वो मुझे दीजिए क्योंकि अभी तो उनका शरीर कैसा हो रखा है प्रभु जी ने बहुत स्ट्रांग शब्दों में समझाया था तो मैं उस तरह से बोल रहा हूं अगर एक पति को अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण भी चाहिए तो पत्नी भी सुंदर दिखनी चाहिए पर वो तो कैसी दिख रही है पूरा एकदम से कमजोर दिख रही है तो वो कह रहे हैं कि तुम कुछ तो ऐसा व्यवस्था करो कि जिससे कि अतृप्त कामना का कारण क्षीण हुआ ये मेरा शरीर पुनः से स्वस्थ हो जाए जो बीमार हो चुका है जो काला पड़ चुका है आंखें जो अंदर धस गई हैं कभी काजल ही नहीं लगाया इतने समय में आप झोपड़ी में रहने वाले मैं अपने पिता के घर में महल में रहती थी अब मेरा क्या आपने कर दिया यहाँ पर हश्र? अब पुत्र प्राप्ति करनी है तो थोड़ा ओ, वो वो तो कीजिए आप तो शुद्ध सत्व गुण में बैठे हैं और पुत्र प्राप्ति तो कौन से गुण में होगी रजोगुण में होगी थोड़ा व्यवस्था बनाइए थोड़ा एटमॉस्फेयर बनाइए आजकल की भाषा में समझ सकते हैं आप क्या बोलेंगे उसको <laughs> तो इसके साथ ही कृपया एक सुंदर घन का निर्माण कीजिए झोपड़ी में रहते थे घर बनाइए या जहां हम यथा योग्य रूप से जीवन का भोग कर सके तो एक प्रॉपर एटमोस्फेयर क्रिएट कीजिए भोग करने के लिए कुछ भी नहीं अपने जीवन के से ही की इच्छा थी कि पहले गर्भवती हो और तत्पश्चात भगवान की भक्ति में संलग्न हो लेकिन मुनि क्या कह रहे थे पहले भक्ति करो तो फिर देवभूती क्या बोलती है थोड़ा इसको भी साइड में रखो पहले मेरी इच्छा है कि मैं पहले गर्भवती हूं और फिर जो है भक्ति में संलग्न हो इसलिए अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर्दम मुनि ने तक्षण एक उड़न महल का निर्माण कर दिया अष्ट सिद्धियों के ओ, आ, क्या कह सकते हैं धारण करने वाले थे कर्दम मुनि तुरंत उन्होंने क्या बनाया एरियल मेंशन इंग्लिश में यूज करते हैं एरियल सिटी ये पूरी की पूरी सिटी बना दी जो हवा में उड़ती है एक एक न्यायी ग्रह तैयार कर दिया उन्होंने कर्दम मुनि ने बहुत ही सुंदर दिखाने की कोशिश की जा रही है आई थिंक ऐसा लग रहा है आ, जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना उनको मैं सिखाना चाहूंगा आपको अपना डायरेक्ट स्क्रीन शेयर नहीं करना होता है यस uh, yes, ये देखिए एरियल मेंशन तैयार कर दिया करद मुनि ने पूरा एकदम मुनिवर है एक सुंदर बहुत ही सुंदर इसका वर्णन भी आगे लिखा हुआ है आगे बढ़ेंगे तो uh, अपने वैवाहिक जीवन के आरंभ से ही देवभूति की इच्छा थी कि वह पहले गर्भवती हो और तत्पशात भगवान की भक्ति में संलग्न हो इसलिए अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मुनि ने तक एक उड़न महल का निर्माण कर दिया वह इच्छा मात्र से कभी भी यात्रा करने में सक्षम था जहां जाना है वहां यात्रा कर सकते थे इच्छा करो बस बहुमंजिला यह समस्त इच्छाओं को पूरा अः करने वाला तथा तो हर प्रकार की साज सामग्री से सुसज्जित था एरियल मेंशन भी कैसा था बहुमंजिला हवा में उड़ने वाला महल के स्तंभ मूल्यवान से बने थे और उसके चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। महल की प्रत्येक वस्तु कला कौशल का एक अद्भुत नमूना थी और हृदय को सुख प्रदान कर रही थी आ, मरकत मणियों से युक्त गुदंब, गुंबदों पर सोने की कारीगरी की गई थी महल में ऐसी बनावट हंस और कबूतर रखे गए थे कि उन्हें देखकर जीवंत हंस और कबूतर का धोखा हो, हो जाता महल में बगीचे शयन कक्ष एवं अन्य सब सुविधाओं की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी कि स्वयं कर्द उन्हें भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके इतना सुंदर महल बना दिया पहले तो नहीं बनाया था पर अब देखा कि पत्नी जो है बहुत पूरा कमजोर हो चुकी है पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इस महल बना दिया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ। कर्दम मुनि सबके हृदय की इच्छा जानते थे कर्दम मुनि सबके हृदय की इच्छा जानते थे कर्दम मुनि सबके हृदय की इच्छा जानते थे और इसलिए अब उन्होंने देवहूति को उस भव्य महल की ओर अप्रसन्न दृष्टि से देखते देखा तो वे उसकी भावनाओं को समझ गए महल की तरफ देखा महल बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ भावना है संतुष्टि नहीं हुई इतना सुंदर महल देख करके भी देवभूति को कर्द मु ने कहा हे प्रिया यह बिंदु सरोवर मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है इसमें स्नान करके तुम इस विमान पर आरोहण करो अब तुम क्या करो इस विमानद इस बिंदु सरोवर में स्नान करो अब स्नान करने के लिए जा रही है कर देवहूति देवहूति की सुकोमल देह धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी और उसके वर्ण जीर्ण क्षीण और उसके वस्त्र जीर्ण क्षीण हो चुके थे जैसे पति थे वैसे पत्नी को बना दिया राइट तुम तो ऐसे हो हमें भी ऐसा कर दिया तुम काले हमें भी काले कर दिए तो ऐसे करके कर्द मुनि के बारे में पढ़ा था हमने अभी आगे कि वो तो एक मणि के बराबर थे जिसे मणि धूलों से वह अनाकर्षक दिख रही थी सोचिए उनका पूरा शरीर हो चुका था मतलब पूरा इतना सेवा में संलग्न थे कि खुद के शरीर का बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया अपने पति की आज्ञा पाकर देवहूति ने सरोवर में प्रवेश किया वहां उसने स्वयं को एक ऐसे घर में पाया जहां प्रस्फुटित यौवन से युक्त एक हजार युवतिया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी उन सबकी देह से कमल पुष्प की सुगंध निकल रही थी जैसे उसने विंदु सरोवर में स्नान करने के लिए गए एक हजार युवतियां उसकी सेवा करने लग गई कोई उसके बाल सला रही है कोई तेल लगा रही है कोई कुछ कर रही है कुछ उसको शरीर को सुंदर बनाने के लिए अलग 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 प्रकार का सब कुछ कर रहे हैं और उस बिंदु सरोवर में स्नान करने मात्र से उनका शरीर बहुत ही सुंदर हो गया एकदम से आकर्षक शरीर हो गया ये देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर शेयर किया गया है, स्क्रीन पे है। स्क्रीन देखिए, देखिए, हाँ। ये जल के अंदर जो है वो पूरा जो देव होती जो थी पूरा क्या कह सकते हैं काली पड़ गई थी कमजोर पड़ गई थी वो उसको हजारों जो है युवतियां आकर के उसको तैयार कर रही है उसको श्रृंगार कर रही है यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यह सब कर्द मुनि ने प्रकट किया था देवहूति को देख कर वे युवतिया अपने आसनों से खड़ी हो गई हाथ जोड़कर कहा हम सब आपकी दासी हैं कृपया हमें आदेश दें अत्यंत सम्मान पूर्वक उन विद्याधर कन्या ने देवहूति को सुगंधित तेलों द्वारा स्नान करवाया और नूतन निर्मल वस्त्र पहनाए उत्कृष्ट आभूषणों से सजाकर उन्होंने देवहूति को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन परोसा और पीने के लिए मधुर आसन आवश्य दिया पीने के सोचो कि उसने जीवन में इतने समय से अच्छे से भोजन भी नहीं किया था तो कहा जा रहा है कि भोजन परोसा और पस पीने के लिए मधुर आसव दिया तत्पश्चात जब देवहूति ने दर्पण में देखा तो स्वयं को स्वच्छ तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देखकर प्रसन्न हो गई उसके शरीर पर निखार छाया था और उसकी गहरी काली आंखें कमल की सुंदरता के को मात दे रही थी और तब जैसे ही देवहूति ने अपने पति का स्मरण किया वह तक्षण अपनी दासियों सहित उनके सम्मुख पहुंच गई तुरंत कर्द मुनि के पास पहुंच गई अपनी दासियों के साथ में देवहूति अपने पति की अद्भुत शक्तियों को देखकर विस्मित थी जब कर्द मुनि ने देखा कि देवहूति ने पूर्ववत अपना सौंदर्य प्राप्त कर लिया है उसके पति उसके पथ प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा पूर्ववर्त से क्या मतलब है जल्दी बताओ स्वाति जी बताओ यहाँ लिखा पूर्ववर्त आकर्षण प्राप्त कर लिया क्यों पहले भी ऐसी सुंदर थी क्या वो क्या मतलब है हरे कृष्णा जल्दी से हाँ प्रभु जी प्रभु जी हाँ शादी से पहले जब वो राधा हाँ। अपने पिता के साथ आई थी तो सुंदर थी ना यस क्योंकि वो राजकुमारी थी और बहुत ही धन धान्य से पूरी थी और स्वयं मनु की बेटी थी तो बहुत सुंदर और आकर्षक थी कि कांतिमय थी तो उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा वे देवाहुति को उड़न महल पर ले गए और अ, मेरु पर्वत की घाटियों में भ्रमण करने लगे जहाँ शीतल सौम्य सुगंधित वायु काम इच्छाओं को उद्दीप्त करती हैं। अपनी पत्नी तथा उन एक सहस्त्र विद्याधर कन्याओं के साथ कर्ज मुहिनी ने अनेकों अने वर्ष तक विहार किया अनेका अनेक अनेक वर्षों तक कर्दमु उस उड़ने वाले महल ओ, 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 जो विमान था उसमें घूमते रहे दासियों के साथ में और सब जगह भ्रमण कराते रहे यद्यपि वे अपनी प्रिय संगिनी से अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो रहे थे उन्होंने अपने यश को कम नहीं होने दिया अर्थात उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना आत्मनियंत्रण नहीं खोया इतने समय में एक बार भी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कोई समागम नहीं किया किसी भी प्रकार का संतान उत्पत्ति का क्रिया नहीं किया इसके बाद कर्म मुनि अन्य स्वर्गीय स्थलियों जैसे नंदन और चेत्र, रत्... चेत्र उपवनों मांसरोवर का करने गए भगवान की कृपा प्राप्त मुनि स्वेच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और इस प्रकार वे देवताओं से भी आगे निकल गए अपनी पत्नी को तीनों लोगों के आश्चर्यजनक स्थल तथा वस्तुएं दिखाकर कर्दमुनि अपने आश्रम में लौट आए और काम सुख के लिए उत्कंठित देवहुति को संतुष्ट करने के लिए नौ रूपों में अपना विस्तार किया उस उड़न महल में रहते हुए मुनि तथा देवहूति एक ऐसे उत्कृष्ट बिस्तर पर लेटे थे जो उनकी काम इच्छा को उत्तेजित कर रहा था इस प्रकार बिना समय पर समय का ध्यान रखे उन्होंने दीर्घ काल तक शारीरिक सुख का उपभोग किया इस प्रकार सौ वर्षो इस प्रकार सौ वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक क्षण हो इस दौरान कर्द मुनि ने नौ रूपों मैं वीर दान करके देवहूति को गर्भवती किया उसी दिन देवहूति ने नौ कन्याओं को जन्म दिया उसी दिन सेम डे जो अत्यंत सुंदर थी और उनके शरीर से लाल कमल पुष्प सुगंध विस्फोरित हो रही थी तो देवहूति से नौ कन्याओं का जन्म हुआ ये बहुत सुंदर आगे कथा आ रही है तभी देवहूति ने देखा कि उसके पति ग्रह त्याग करके जा रहे हैं क्या बोला था कर्द ने जैसे ही संतान उत्पन्न होगी टाटा बाय-बाय हरिबोध ऐसे कर दो जा रहे थे यह जानकर कि उसके पति अप्रसन्न न हो जाए वह बाहर से मुस्कुराने लगी परंतु उसका अंतःकरण विदीर्ण हो रहा था कि बस संतान उत्पन्न होगी तो अब निकल रहे जा रहे अपने पैरों की अंगुलियों से भूमि को खरोचते हुए उसने अपना सिर झुकाया समझ गए ये स्टाइल है माताजी लोग अपनाते हैं तो थोड़ा पैर के अंगूठे से थोड़ा खुदरज बिन को और थोड़ा सा समझ जाएंगे उनके पति की क्या प्रॉब्लम है अपने पैरों की अंगुलियों से भूमि को खरोचते हुए उसने अपना सिर झुकाया अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने कहा हे स्वामी इस प्रार्थना को अंडरलाइन भी कर सकते हैं हे स्वामी आपने अपने वचन का समुचित निर्वाह किया है कृपया मुझे भी वह अभय प्रदान कीजिए जिसे आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किया जाता है मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूं अब क्या बोल रही है वो जो आप पहले देने वाले थे ना वो मुझे दीजिए आप वो क्या था अभय प्रदान कीजिए आत्म साक्षात्कार कीजिए कराइए आध्यात्मिकता दीजिए जो पहले उन्होंने देने वाले कर्म मुनि हे ब्राह्मण जब हमारी पुत्रिया विवाह के पश्चात अपने अपने घर चली जाएगी तो उस समय आपकी अनुपस्थिति में कौन मेरा शोक दूर करेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए बच्चिया तो क्या होती है बच्चिया फिर कहा चली जाती है अपने ससुराल चली जाती है तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी फिर मैं शोक में पड़ जाऊंगी तो मेरा शोक कौन दूर करेगा मेरा भय कौन दूर करेगा दिया परंतु कम से कम मैंने आप जैसे साधु के प्रति प्रेम तो विकसित कर लिया है अब मेरी यही कामना है कि यह आसक्ति जो मनुष्य के भौतिक बंधन का कारण बन, बनती है वह मुझे मुक्ति प्रदान करे यद्यपि मैंने कभी उसकी इच्छा नहीं की थी हे नाथ आप भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने में मेरी मैं पूरी तरह सक्षम है परंतु मैं तो भगवान की माया शक्ति द्वारा ठगी ठगी गई हूं क्योंकि तो आपका संग प्राप्त करके भी मैंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए न तो कभी जिज्ञासा की न ही कभी इच्छा की जब आप दे रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान तो मैंने क्या बोला था इशारा करके बोलो जब मैं जब आप दे रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान तो मैंने क्या कि बोला आपको अभी थोड़ा सा इसको साइड में रख दीजिए रुको जरा अभी थोड़ा पहले प्रफ्त दूसरा है तो इस प्रकार से मैं ठगी गई हूं माया के द्वारा मैंने जो है पहले पुत्र मोह रखा वो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं ऐसे करके ये कह रही है आ, मैं आप जैसे साधु का संग करके भी आध्यात्मिक ज्ञान प्र, प्राप्त नहीं कर पाई ये मेरा दुर्भाग्य है भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने उत्तर दिया हे राजकुमारी निराश हो शीघ्र ही भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे अब तुम श्रद्धा तथा नियंत्रित इंद्रियों के साथ भगवान की पूजा करो प्रति प्रतिदान में वे न केवल तुम्हारे यश को सर्वत्र फैलाएंगे अपितु दिव्य ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे हृदय में लगी भौतिक आसक्ति को कि मजबूत गांठ को भी छिन्न भिन्न कर देंगे तो अब भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए ने बोला पर आज हम समाप्त कर रहे हैं इस बात को इस से बोल बोल रहा रहा हूं देख लीजिए हे राजकुमारी कौन बोल रहा कर्द मुनि अपनी पत्नी से निराश न हो शीघ्र ही भगवान अच्छुत तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे किसने बोला था इस बात को स्वयं भगवान ने बोला था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा मेरा अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में आएगा और तुम अब तुम दृढ़ श्रद्धा तथा नियंत्रित इंद्रियों के साथ भगवान की पूजा करो प्रतिदान में वे न केवल तुम्हारे यश को सर्वत्र फैलाएंगे अपितु तो दिव्य ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे हृदय की हृदय में लगी भौतिक आसक्ति की मजबूत गांठ को भी छिन्न भिन्न कर देंगे अर्थात तुम्हें आध्यात्मिकता भी दे देंगे और तुम्हारे तुम्हारे को एक पुत्र संतान प्राप्ति भी करा देंगे जो शास्त्र में कहा गया है कि जो बच्चिया होती है उनकी रक्षा कौन करते हैं पिता करते हैं जो थोड़े उम्र में स्त्रियां होती है और जो पति नहीं है पति चले गए हैं तो रक्षा कौन करते हैं पुत्र करते हैं बेटा करते तो बोले कि अब मेरे तो बेटा है नहीं ऐसा उन्होंने सोचा था तो बेटा दे रहे हैं कौन दे रहे हैं करदमु दे रहे हैं बेटा उनको ये बात हम कल करेंगे आज यहीं पर करते हैं इसे पूछ लीजिए प्रभु जी हम लोग को जो ले गए थे आपने पर जो बिंदु सरोवर था वही बिंदु सरोवर है नहीं ये बिंदु सरोवर वो नहीं है माता जी ये बिंदु सरोवर वो नहीं है जी और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी बिंदु सरोवर कहाँ पर है माता जी एक प्रश्न को पूछ रहा है उनसे उत्तर दे देता हूँ यस प्रभु जी जैसा आपने बताया ना कि अगर भक्ति करते हैं तो हस्बैंड का फिफ्टी ऑलरेडी आ जाता है हाँ। तो अगर प्रभु जी माता माताएं करें जो कृष्ण भावना भावित है तो उसमें क्या हस्बैंड पर जाता है क्या अगर हस्बैंड माताओं की सेवा करेंगे तो <laughs> okay, हाँ। उनको पूरा सहयोग करेंगे मदद करेंगे थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु जी ये जब कर मुनि ने पूरा, वो रात, वो पूरा महल बनाया बताया ना आगे आगे उत्तर दिया उसका तो महल तो सुंदर था सब कुछ था लेकिन वो सुंदर नहीं थी उसका शरीर सुंदर नहीं था आकर्षक <laughs> नहीं था तो देख करके दुखी होगी तुमने इसको तो बना दिया मुझे तो बनाया नहीं मुझे तो तैयार किया ही नहीं फिर वो कहते हैं समझ गए मुनि और फिर कर ये जाओ बुंदु सरोवर में स्नान करो जैसे स्नान किया तो वो महल से अपने लिए लगा कि आपने अच्छे, उसको, अच्छे, अच्छे, उसको तो बना दिया महल को देखे लग रहा था कि मेरे शरीर पे जो मिट्टी लगी है उसको कौन निकालेगा हाँ मुझे कौन चमकाएगा प्रभु जी देवती अपने माय के कभी नहीं गई शादी के बाद नहीं गई माता से नहीं मिली अपने माँ बाप से नहीं मिली नहीं मिल पाए वहां पर <laughs> ना उन्होंने इनकी सुध ली कभी खुद तो, तो क्या पहले इतना वो नहीं होता था इस प्रकार से नहीं शादी शादी करने के बस खत्म हाँ कन्यादान हो गया तो ठीक है नेक्स्ट ये बिंदु सरोवर जो माता जी आप पूछ रहे थे इसको कहा जा रहा है ये सिद्धपुर में है बैंक ऑफ सरस्वती रिवर नॉर्दर्न गुजरात सिद्धपुर ंदु सरोवर जो है सिद्धपुर में है सरस्वती नदी किनारे उत्तरी गुजरात में सिद्धपुर ठीक है सरस्वती नदी किनारे हाँ मा सरस्वती नदी किनारे अब नहीं है पहले थी जब वो तो पहले भी लिखा हुआ ना अपने पुस्तक में भी लिखा हुआ है सरस्वती नदी यस नेक्स्ट हरे कृष्ण और कोई बोलेंगे नहीं समाप्त करें तो कर्द मुनि और देवभूति की कथा को पढ़ लीजिएगा और आज